नमस्कार, तो मैं आपसे का दोस्त दीपक उत्तर प्रदेश यूपी बलिया के रेलवे स्टेशन गौतम स्थान रेलखंड के बीच में आज ट्रेन दुर्घटना होने से बाल बाल बचा है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी अपडेट है, तो दोस्तों क्या कारण था, क्या वजह था ट्रेन दुर्घटना होने का, और दोस्तों कितने घंटे तक ट्रेन खड़ी रही, और दोस्तों कौन सी वो ट्रेन है, तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। वीडियो अगर पसंद है लाइक करिए, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमारे इंडियन रेलवे की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपके स्मार्टफोन पे मिलता रहे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा बलिया रेल खंड पर गौतम स्थान स्टेशन के समीपित शनिवार को सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन भीषण दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बच गई। आप सभी को बता दें कि हुआ यह कि रक्सौल से आनंद विहार टर्मिनल तक जाने वाली सद्भावना एक्सप्रेस, जी हां, ट्रेन के इंजन से छपरा जंक्शन से गौतम स्थान के बीच रिविलगंज थाना क्षेत्र के गोदाना ब्राह्मण टोली रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मवेशी टकरा गई। और आप सभी को बता दें कि मवेशी का शव तेज गति से चल रही ट्रेन के इंजन में फंस गई। और आप सभी को बता दें कि चालक के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगाए जाने के बावजूद ट्रेन घसीटते हुए करीब 2 किलोमीटर दूर तक गौतम स्थान स्टेशन के यार्ड में पहुंची। यार्ड में पहुंच गई और इसके बाद इंजन के वैक्यूम प्रेशर पाइप फट गया और इंजन में फंसे मवेशी के शव को निकालने में 1 घंटे का समय लग गया। शव निकाले जाने के बाद इंजन के वैक्यूम का प्रेशर पाइप फटने के कारण उसे ठीक करने में करीब 30 मिनट का समय लगा और इस वजह से 1.5 घंटे तक ट्रेन गौतम स्थान स्टेशन के यार्ड में खड़ी रही। आप सभी को बता दें कि ट्रेन के आधा बोगी स्टेशन के बाहर पूर्व आउटर तक खड़ी रही, इस वजह से करीब 1.5 घंटे तक छपरा और गौतम स्थान के बीच ट्रेन का परिचालन भी बाधित रहा और रेल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद इंजन में फंसे शव को निकाला गया तथा इस घटना के कारण क्षतिग्रस्त हुए इंजन के वैक्यूम प्रेशर पाइप को ठीक किया गया, जिसके बाद ट्रेन का परिचालन बहाल हो सका। आप सभी को बता दें कि 10 अप्रैल शनिवार को सुबह 7 बजे के करीब लेकर 9:30 बजे तक ट्रेन का परिचालन बाधित रहा। घटना की सूचना गौतम स्थान के स्टेशन प्रबंधक ने रेलवे कंट्रोल को दी तथा छपरा जंक्शन के CDO और कैरेज एंड विगेट विभाग को दी गई। सूचना पाकर मौके पर रेलवे सुरक्षा बल तथा राजकीय रेलवे पुलिस के जवान भी पहुंचे और मामले की जांच की और रेलवे के अधिकारी सूत्रों का कहना है कि इंजन में मवेशी का शव फंस जाने तथा इंजन का वैक्यूम प्रेशर पाइप फटने के कारण भीषण दुर्घटना हो सकती थी। चालक व गार्ड की सूझबूझ में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर किसी तरह ट्रेन को रोका गया और भीषण हादसे को टाल दिया गया और मंडल रेल प्रबंधक ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है और 24 घंटे के अंदर इसकी जांच का रिपोर्ट तलब की है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये घटना आज यानी कि 10 अप्रैल 2021 शनिवार को हुआ है, जिससे कि 1.5 घंटे कई ट्रेनें बाधित रही और मवेशी ट्रेन इंजन में फंस जाने की वजह से ये मतलब कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो दोस्तों मिलते हैं इंडियन रेलवे के लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।